हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो है पॉक्स के रिलेटेड, जो पिजन पॉक्स हो जाती है बच्चों के, माता वगैरह हो जाती हैं, आज उसी का ट्रीटमेंट बताएंगे भाई। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेकिन उससे पहले जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो भैया देखिए, जैसे कि आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है पिजन पॉक्स के रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि अभी सभी भाइयों के पास में बच्चे वगैरह होंगे और उनके माता वगैरह की प्रॉब्लम आ रही होगी, फुंसी वगैरह जो हो जाती है, पॉक्स हो जाती है। ठीक, तो आज उसी के लिए आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, क्योंकि इसमें देखो बहुत सी चीज मैंने देखी है भाई। देखने के लिए लोग ये बताते हैं कि जी ये दवाई दे दो, ये दवाई दे दो। तो भाई देखो, मेरा एक ही कहना होता है, कबूतर को मेडिसिन जितनी कम से कम दो ना बीतते पर, वरना भाई आप देसी की तरफ चलो। कबूतरबाजी में अगर सुधार करना है, मेडिसिन की तरफ मत चलो, देसियों के आइटम की तरफ चलो। ठीक है, क्योंकि भाई मेडिसिन कब की होती है, जब ना बीतती है, आपको दिख रहा कि भाई अब मैं सब हथकंडे फेल हो गए तो अब मेडिसिन लगा दो, या उस पर लगती है जिसकी ज्यादा सीरियस हालत है, समझ रहे हो भाई। तो कहने का मतलब वही है, बहुत से भाई ऐसे भी देखे मैंने कि पोक्स को छील देते हैं, तो इसमें छीलने वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती है भाई। और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप पोक्स से बचोगे और पोक्स जिनके हो गई है उससे ट्रीटमेंट कैसे करोगे। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले जिनके पोक्स हो चुकी हैं बच्चे वगैरह होके, तो भाई आप एक काम करें, कोई भी एक पेप्सोडेंट ले लें, कोई सा भी, यानी कि क्लोजअप ले लें या कोलगेट ले लें, कोई भी ले लें। ठीक है भाई, एक कोलगेट ले लो किसी भी तरीके का, और कोलगेट लगाने के बाद लेके बच्चे के पोक्स पे लगाना है। ठीक है, अब इसमें बहुत से भाई गलती क्या करते हैं, अभी बच्चे के किसी का पोक्स है नहीं, वरना दिखा देता मैं। किसी के मान लो ऊपर पोक्स है, अब भाई क्या करते हैं, ऊपर लगा दिया और छोड़ दिया। भाई 3 दिन आपको प्रोसीजर करना है। क्या, पहले दिन आपने लगाया, उसकी जो जड़ है पोक्स की, चारों तरफ से जड़ में अच्छे से लगना चाहिए। ठीक, फिर दूसरे दिन आपको ये चीज चेक करनी है कि इसका जो पोक्स मैंने लगाया था वो सूख गया है, या फिर इसने चोंच वोंच से, या मान लो पांव से कहीं खुजा पजा के छुटा लिया है, समझ रहे हो। अगर छुट गया हो तो उस पर दोबारा लगाओ। ठीक है, अगर सूख गया तो कोई जरूरी नहीं है लगाना, अगर छुट गया तो दूसरे दिन लगाना पड़ेगा। यानी कि 3 दिन आप इस तरीके से चेक करो और उसके जड़ में जरूर लगाओ। ठीक है भाई, तो मैं आपसे एक चीज बता रहा हूँ इंशाल्लाह। भाई देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, कोलगेट जब आप लगा दोगे तो आपको किसी मेडिसिन वगैरह की, या मान लो पोक्स को छील के जो ट्रीटमेंट होते हैं उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नंबर की चीज है भाई। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इसके बाद बात आती है भाई कि पोक्स होने से बचाएं कैसे। ठीक है, तो पोक्स हो ही ना बच्चे के, उसके लिए क्या करेंगे, तो भाई फास्ट कार्ड आता है। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियो डाल रखी है, आप जाके देख सकते हो, फास्ट कार्ड आता है। आप जहां पर बच्चे हैं आपके पास में, वहां पर आप क्या काम करेंगे, 3-4 फास्ट कार्ड आसपास उनके चिपका दो। ठीक है भाई, तो उससे क्या होगा, जब आप चिपका दोगे तो फास्ट कार्ड एक तो जल्दी से खराब नहीं होगा, यानी कि उन बच्चों को पूरा निकाल देगा वो। ठीक भाई, तो उसमें पोक्स नहीं होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है कि यार पोक्स ना हो जाए, मच्छर ज्यादा है क्योंकि, ठीक, तो आप क्या काम करेंगे, जो कोलगेट हमने बताया है, आप बच्चों के पाँव ऊपर लगा दो और पीछे बीट के रास्ते पर लगा दो, उसके चारों तरफ इस तरीके से लगा दो, क्योंकि ज्यादातर फुंसी यही 2 जगह पर होती है। ठीक है, तो आप जब ये कोलगेट लगा दोगे और वहां सूख जाएगा तो भी भाई फुंसी नहीं होगी, क्योंकि मैं भी जो चीज करता हूँ वो चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखा वाली चीज है, अभी तक ऐसा कुछ मेरे सामने आया नहीं कि पोक्स हो जाए। और उसके बाद भी देखो, मैं बेकार आपसे बोलूं, थोड़ी सी केयर भी ये है कि मान लो जैसे अब ये लॉफ्ट है, इसमें टोटल मच्छर जाली लगी हुई है हर विंडो पर, कोई ऐसा नहीं है कि मच्छर जाली ना हो। ठीक, उसके बाद भी भाई मैं शाम को जब यहाँ पर कबूतरों को देख कर, यानी कि हर तरीके से बंद करके जाता हूँ, दाना पानी करा के बंद करता हूँ,
मैं एक एक कबूतर को पर डे चेक करता हूँ भाई, ठीक। ऐसा नहीं कि हाथ में ले लेके चेक करता हूँ, पर्चेस लगी हुई है, इन्हीं पर बैठे होते हैं, ऐसे ही मैं देख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चे कच्चों का कुछ पता नहीं भाई, अगर मान लो हल्की सी भी कोई 19-20 रात में हो गई ना, तो सुबह को ढीला हो जाता है, तो इसलिए देखना पड़ता है, ठीक है।